2024 के चुनाव के पहले आ गया है CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून। केंद्र सरकार ने इसका नोटिफिकेशन यानी अध्यादेश जारी कर दिया है। बीजेपी कह रही है कि जो कहा सो किया। वहीं विपक्ष ने इसे चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की कोशिश बताया है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो किसी भी कीमत पर राज्य में CAA नहीं लागू होने देंगी। लोकसभा चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी होने वाली है, लेकिन इसके पहले जारी हो गई CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना। मोदी सरकार ने चुनाव से पहले चल दिया है मास्टर स्ट्रोक। गृह मंत्री अमित शाह पिछले काफी दिनों से इसका ऐलान कर रहे थे। केंद्र सरकार ने इसे अचानक लागू कर दिया है। चार साल पहले यानी दिसंबर 2019 में CAA बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है। राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई है। CAA के खिलाफ कई राज्यों में हुए आंदोलन और फिर कोरोना के आने के बाद ये कानून लागू नहीं हो पाया, लेकिन आम चुनाव के पहले इसको लागू करने की घोषणा कर दी गई है। CAA लागू करने की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, इस बारे में आपको आगे बताएंगे। इसके पहले देख लीजिए CAA लागू होने से क्या होगा, इससे किन लोगों को भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ होने वाला है। CAA को लेकर केंद्र सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके मुताबिक CAA के तहत 2014 के बाद से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इस कानून के तहत सरकार बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों जैसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को सरकार भारतीय नागरिकता देगी। इन तीनों देशों में ये समुदाय अल्पसंख्यक है। हालांकि ये फायदा केवल उन्हीं प्रवासियों को मिलेगा जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके हैं। इस कानून के तहत वे लोग जो फिलहाल भारत में अवैध प्रवासी हैं, वे भारत के नागरिक बन जाएंगे, लेकिन शर्त वही, अगर ये लोग हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई हों। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए मुस्लिम शरणार्थियों को ये हक नहीं मिलेगा। भारत की नागरिकता लेने के लिए ऐसे लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले लोगों को वो साल बताना होगा जब वो जरूरी दस्तावेज के बिना भारत आ गए थे। इस प्रक्रिया में आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। CAA लागू करने को लेकर बीजेपी और NDA केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत कर रही है। वहीं मुस्लिम वोट बैंक के सहारे देश की राजनीति करने वाले नेताओं को यह बात खटक रही है। CAA को लेकर चार साल पहले जितना विवाद हुआ, फिर उसी तरह के विवाद की सुगबुगाहट दिखाई देने लगी है। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी हालत में CAA लागू नहीं करेंगी। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने भी CAA लागू करने से इनकार कर दिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये देश को मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। शरणार्थी वैसे तो देश के हर हिस्से में रहते हैं, लेकिन असम, बंगाल और बिहार में इनकी तादाद काफी ज्यादा है। बंगाल में तो ममता बनर्जी का बड़ा वोट बैंक शरणार्थी समुदाय का है। बांग्लादेश से आए मतुआ समुदाय के लोग बंगाल की 10 लोकसभा सीटों पर हार जीत तय करते हैं। CAA के खिलाफ चार साल पहले दिल्ली के शाहीन बाग में लंबा आंदोलन हुआ था, इसलिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। CAA को लेकर दोनों तरफ से सियासत शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के बाद बीजेपी इसे मोदी की गारंटी के तौर पर प्रचारित कर रही है। वहीं कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। चुनाव के पहले इस मुद्दे पर राजनीति क्या रुख करती है, इस बारे में हम आपको बताते रहेंगे। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।